नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो 11 अगस्त तक जो फिल्म रिलीज होने वाली है, मुख्य रूप से बॉलीवुड की फिल्म है। इसमें मैं जो कि साउथ की मूवी है, और दोस्तों साथ में एक भोला शंकर चिरंजीवी सर की फिल्म, उनको शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी जो 4 फिल्म है उनकी कितनी आई पर कितना क्रेज है, उनको किस प्रकार से मतलब एक दर्शकों का इंतजार है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बॉलीवुड हंगामा एक वेबसाइट के अनुसार पॉइंट्स दिए जाते हैं कि कौन सी फिल्म कितने आगे चल रही है, किस फिल्म का सबसे ज्यादा क्रेज इस समय देखा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट टेबल, उस पॉइंट टेबल के आधार पर मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी 4 फिल्में जो इस समय सबसे ज्यादा टॉप पे चल रही है। इसमें नंबर 4 नंबर पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, 2 पे कौन सी, और 1 पे नंबर 1 मूवी कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं इस लिस्ट में नंबर 4 पर स्थान बनाया है दोस्तों रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसके केवल 48 पॉइंट्स, 100 में से ये पॉइंट्स दिए गए। 28 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली है। करण जौहर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, और कई वर्षों के बाद में वो डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरे, और ट्रेलर भी पसंद किया गया। इसके बावजूद अभी इसके पास केवल 48 पॉइंट्स है। और सबसे पहले जितनी भी मैं फिल्म आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उनमें सबसे पहले रिलीज भी यही होने वाली है, उसके बावजूद केवल 48 पॉइंट्स, तो नंबर 4 पोजीशन पे। हालांकि मुझे लगता है कि ये फिल्म धीरे धीरे ग्रो करेगी, और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज के दिन नजदीक आएंगे वैसे हो सकता है कि फिल्म की हाइप बढ़े, लेकिन फिलहाल ये नंबर 4 पोजीशन पे है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन पे है OMG 2, यानी कि ओ माई गॉड टू 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। गदर 2 से भिड़ने वाली है, आपको बताइए। और फिर भी अभी इसके पास 70 पॉइंट्स है, सेकेंड नंबर पोजिशन पे, और 70 पॉइंट्स है आउट ऑफ 100। तो मतलब कि फिल्म का क्रेज अब कितना रहता है, कितना रेट रहता है, तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो काफी बड़ा हिट रहा था, हालांकि बहुत विवादास्पद भी था। सनातन धर्म का बहुत ज्यादा अपमान किया गया था उसमें, बहुत ही ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे जो अगर ये फिल्म अब रिलीज होती, इसका फर्स्ट पार्ट, तो शायद सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो पाती, कोर्ट में लेके जाया जाता है फिल्म को। और दोस्तों, जिस प्रकार से आदि पुरुष काल हुआ वैसा ही हाल इस फिल्म का भी होता है, लेकिन उस समय समय दूसरा था। फिल्म को रिलीज भी किया गया और फिल्म ने हिट का टैग भी हासिल किया था। तो उसी का सेकंड पार्ट है, अक्षय कुमार भगवान भोलेनाथ के रूप में नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं ये फिल्म अगर अच्छी तरीके से बनाई है, कुछ गलत बातें नहीं दिखाई, कुछ अपमानजनक बातें नहीं दिखाई, तो फिर ये फिल्म चल सकती है। अदरवाइज ये फिल्म बुरी तरह से पिटेगी और हंगामा होना तय है। तो इसका भी 70 पॉइंट्स है दोस्तों इस लिस्ट के अंदर। अगर तीसरे पॉइंट में बात करें, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे बवाल 72 पॉइंट्स के साथ। बवाल वरुण धवन जानवी कपूर की फिल्म है, जिसे दोस्तों नितेश तिवारी जैसे बड़े डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, साजिद नाडियाडवाला फिल्म के प्रोड्यूसर, और इतनी बड़ी फिल्म है कि उसको थिएटर में रिलीज करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा अगर ज्यादा मिल जाता है OTT पर तो वही बात है, फिर क्यों थिएटर्स में रिस्क लेना। काफी अच्छी रकम मिली बताई इनको, एक डील हुई है अमेजन प्राइम वीडियो के साथ, शायद इनकी डील हुई है, और काफी बड़ी रकम मिली है, जिसके कारण इन्होंने डायरेक्ट OTT पर रिलीज करने का फैसला किया। करीब 200 कंट्रीज में एक साथ रिलीज किया जाएगा। अभी तक खबर है कि 21 जुलाई को फिल्म को रिलीज किया जा सकता है, और 8 तारीख को शायद इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, 8 जुलाई को देखते हैं। लेकिन बवाल तो तय है, अगर थिएटर्स में लाते ऐसी फिल्म को तो और मजा आता है। और दोस्तों, नंबर 1 पोजीशन पर जो आप सोच रहे हैं वही फिल्म यहाँ पर भी है, गदर 2, जो डेफिनेटली गदर मचाने वाली है, 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। 90 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर गदर ने यहाँ पे अपना स्थान बनाया। इसका मतलब गदर की हाइप और क्रेज कितना ज्यादा है, आप इसी से समझ सकते हैं कि गदर एक प्रेम कथा का ब्लॉकबस्टर जो पार्ट है, पार्ट 2 वो आ रहा है। और तारा सिंह और सकीना की जोड़ी एक बार फिर से लोगों को मतलब विचलित, बहुत ही मदहोश, विचलित, आप क्या क्या बोलना चाहे जो वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक जबरदस्त तरीके से गदर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में मचाएंगे। कई लोग विचलित भी होंगे इसमें, कई लोग खामोश भी होंगे, और कई लोग गुजबम्स भी मिलेगा कई लोगों को, और पूरा भारत इंतजार कर रहा है ऐसा कहा जा रहा है गदर 2 का। तो काफी बड़ी ये फिल्म होने वाली है। सनी देओल सर को देखने के लिए बेताब है, जिस प्रकार से उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है, जिस प्रकार के उनके एक्शन होते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पर फिलहाल गदर है। फिलहाल ये रिपोर्ट इतनी ही, आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी बताएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।